Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a basic topic under education, that is approaches to education, in which I am going to discuss philosophical, sociological, psychological and scientific approach to education. Okay, and the lecture must be useful for all of you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल अप्रोच, मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि उपागम, किस किस दृष्टिकोण से आप शिक्षा को देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र विषय को देख सकते हैं. तो दार्शनिक आधार हो सकता है, समाजशास्त्रीय आधार हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक उपागम हो सकता है, वो वैज्ञानिक उपागम हो सकता है. तो और सबसे बड़ी बात कि ये जो टॉपिक होता है जब थियोरेटिकल पूछा जाता है, इस पर लॉन्ग आंसर आपसे सब्जेक्टिव पूछते हैं, तो आपके आपको समझ में नहीं आता है कि इस पर क्या लिखना है, क्या मैटर है, और मैटर ज़्यादा है कैसे उसको समराइज करेंगे, कैसे लिखेंगे. और बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, और आपकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है. इसमें एक हिस्टोरिकल अप्रोच भी था, लेकिन चूंकि वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको मैंने अलग कर दिया. वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आपसे हिस्टोरिकल अप्रोच. तो फिलोसॉफिकल अप्रोच से शुरू करते हैं कि क्या है दार्शनिक उपागम शिक्षा का, शिक्षा शास्त्र का. तो फिलोसफी एज अ डिसिप्लिन इज मोर ऑफ एन एक्टिविटी रादर देन ए बॉडी ऑफ पैसिव नॉलेज. यानी कि जो फिलोसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो कोई पैसिव नॉलेज नहीं है, निष्क्रिय नहीं है ज्ञान, बल्कि वो एक प्रकार की क्रिया है. इन अदर वर्ड्स, वी लर्न फिलोसफी बाई डूइंग इट. वो कह रहे हैं कि वो दर्शन को करके सीखते हैं, दैट इज बाई फिलोसोफाइजिंग. सो फिलोसफी इज एन एक्टिविटी. तो फिलोसफी क्या है, एक क्रिया है. वी कैन आइडेंटिफाई थ्री मोड्स ऑफ फिलोसफी. दीज मोड्स आर दी स्पेक्यूलेटिव, दी प्रिस्क्रिप्टिव एंड दी एनालिटिक. वो कह रहे हैं कि तीन मोड हो सकते हैं फिलोसोफाइजिंग के. कौन कौन से? या तो आप स्पेक्यूलेटिव तरीके से फिलोसफी को फिलोसोफाइजिंग कर सकते हैं, फिलोसोफाइज कर सकते हैं, या प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से, या एनालिटिक तरीके से. तो स्पेक्यूलेटिव क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है, स्पेक्यूलेशन मतलब कि कुछ संदेहास, मतलब आप कुछ क्या करेंगे, स्पेक्यूलेट्स करेंगे. कि इट इज द मोड ऑफ फिलोसफी विच सिस्टमेटिकली स्पेक्यूलेट्स अबाउट एंड अपॉन ऑल थिंग्स. है ना, हर चीज को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि ऐसा सही है कि नहीं, या ऐसा होता तो कैसा होता. यानी कि इस तरीके से देखेंगे कि उस पर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आ सकें. इट इज द मोड ऑफ फिलोसफी विच सिस्टमेटिकली स्पेक्यूलेट्स अबाउट एंड अपॉन ऑल थिंग्स. हर 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 चीज को हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं. दिस मोड ऑफ स्पेक्यूलेशन इज लिमिटलेस एज इट डील्स विद द रियल एज वेल एज द एब्स्ट्रैक्ट. और ये अनंत हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज को स्पेक्यूलेशन की नजर से देख रहे हैं. आप मतलब कि वास्तविक चीजों को भी, काल्पनिक चीजों को भी. प्राइमरली देयर फॉर स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी इज इंटरेस्टेड इन द सर्च फॉर ऑर्डर, होलनेस एंड लिंकेजेस इन द रियलम ऑफ एक्सपीरियंस. वो कह रहे हैं कि हम उसमें क्या ढूंढते हैं, कि कोई क्रम है कि नहीं, संपूर्णता है कि नहीं, कोई जुड़ाव है कि नहीं, ये सब. तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं चीजों को, तो ये कौन सा मोड है फिलोसफी का, स्पेक्यूलेटिव है. प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हों, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब कि हम बताएंगे. Seeks to set standards, grounds or criteria for the judgment of values, conduct and art. कि ये ऐसा होना चाहिए. It must be like this, है ना? It seeks to establish the objectivity or subjectivity of concepts such as good and bad, right and wrong, etc. है ना? It also seeks to establish some fundamental laws for judging which action are worthwhile and which are not. मतलब ये बताना चाहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. और सेट करना चाहता है, क्या सेट करना चाहता है, स्टैंडर्ड्स बनाना चाहते हैं हम, ग्राउंड बनाना चाहते हैं क्राइटेरिया के लिए, हम नॉर्म्स बनाना चाहते हैं. तो अगर इस मोड से आप फिलोसोफाइजिंग कर रहे हैं, फिलोसोफाइज कर रहे हैं, तो ये किस क्या मोड हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव. और लास्ट में एनालिटिक, एनालिटिक में क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक फिलोसफी. इसको लिंग्विस्टिक फिलोसफी भी कहते हैं. क्यों? अ लूजली रिलेटेड सेट ऑफ अप्रोचेस टू फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स डोमिनेंट इन एंग्लो अमेरिकन फिलोसफी फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दैट एम्फेसाइजेस द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स. यानी कि इसमें क्यों इसको लिंग्विस्टिक फिलोसफी कह रहे हैं, क्योंकि आप इसमें कंसेप्ट की लॉजिकल एनालिसिस देख रहे हैं, लैंग्वेज के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं. Analytic philosophers conduct conceptual investigations that characteristically, though not invariably, involve studies of the language in which the concepts in question are or can be expressed. तो कह रहा है कि आप इसमें language के view point से चीजों को देख रहे हैं, है ना? It is a 20th century movement in philosophy which holds that philosophy should apply logical techniques in order to attain conceptual clarity and that philosophy should be consistent with the success of modern science. तो एनालिटिक फिलोसफी क्या हो गई, लिंग्विस्टिक फिलोसफी हो गई. इसमें आप क्या कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. तो
फिलोसॉफिकल, ये तो मोटा मोटा फिलोसफी की बात हुई कि फिलोसफी का मतलब फिलोसोफाइजिंग है, तीन तरीके से आप कर सकते हैं, स्पेकुलेटिव तरीके से, प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से या एनालिटिक तरीके से। लेकिन फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? तो फिलोसफिकल अप्रोच एजुकेशन की ये है जो हमको ये बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मतलब शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजी से आप पढ़ाएंगे, कौन से विषय पढ़ाएंगे, करिकुलम में क्या पढ़ाएंगे, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, डिसिप्लिन का क्या रोल है, डिसिप्लिन को कौन गवर्न करेगा, कौन मैनेज करेगा, ये सब कुछ हमको फिलॉसफी बताती है शिक्षा के लिए। तो फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या हो गया? डिटर्मिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले कि शिक्षा के उद्देश्य कौन निर्धारित करेगा, जिस दर्शन शास्त्र से वो गवर्न हो रही है। हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, providing the educational planners, administrators and educators with the progressive vision to achieve educational development and preparing the young generation to face the challenges of modern time। यानी कि philosophical approach का क्या मतलब हो गया कि जो दार्शनिक उपागम है शिक्षा का वो हमको ये बताता है कि हम जो लेकर चले हैं क्लासरूम का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, कौन से विषय हैं जो हम इसको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, किस मेथोडोलॉजी के तहत बताएंगे, हाँ डिसिप्लिन कैसा होगा, लेसेज फेयर होगा कि वो आप दमनात्मक होगा अनुशासन की आप एकदम फ्री छोड़ देंगे बच्चे को, सब कुछ फिलॉसफी से ही गवर्न होता है। तो ये मेन जो है वो फिलॉसफी का कंसर्न है एजुकेशन के लिए। ओके तो आप क्या कह सकते हैं लास्ट में कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड और प्रैक्टिकल फिलॉसफी कंसर्न विद द नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एजुकेशनल थियरी एंड प्रैक्टिस। यानी कि जो दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं एजुकेशनल थियरी एंड प्रैक्टिस से वो, और ये ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जो अप्लाइड और प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो कि जिसका लेना देना किससे है, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की क्या प्रवृत्ति है, प्रकृति है और क्या उद्देश्य शिक्षा के होने चाहिए उससे इसका लेना देना है। और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कंसर्न्स इटसेल्फ विद बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेडिशनल थियरी और प्रैक्टिस। अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंट्स आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ स्कूलिंग, अ टीचर्स रोल एंड व्हाट शुड बी टॉट एंड बाय व्हाट, है ना। वो कह रहे हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या करती है, आंसर देती है किसके लिए कि हमारा जो स्कूलिंग है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक का रोल क्या है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, ये सब कुछ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमको बताती है। तो ये हो गया क्या दार्शनिक उपागम शिक्षा शास्त्र के लिए। अब सोशियोलॉजिकल अप्रोच देख लीजिए। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, यानी कि समाजशास्त्रीय उपागम क्या है, द मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन फॉल नाइसली इनटू द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोचेस। ये कह रहे हैं कि अगर आप सोशियोलॉजिकल अप्रोच से एजुकेशन को देखेंगे तो तीन तरीके हो सकते हैं देखने के, फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट और सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। वो कह रहे हैं फंक्शनल थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, किस पे स्ट्रेस करती है, किस पे इम्पैक्ट करती है, किस पे अपना प्रभुत्व डालती है, इट स्ट्रेसेस द फंक्शंस दैट एजुकेशन सर्व्स इन फुलफिलिंग अ सोसाइटीज वेरियस नीड्स। ये कह रहे हैं कि फंक्शनल थ्योरी जो है वो इस बात पर बल देती है कि जो शिक्षा है वो क्या करती है कि सोसाइटी की बहुत सी आवश्यकताओं को फुलफिल करती है। जैसे परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज सोशलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि शिक्षा का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, हम जो सामाजिकरण कर रहे हैं छात्र का, जो सोशलाइज कर रहे हैं उसको। इफ चिल्ड्रन आर टू लर्न द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड स्किल्स दे नीड टू फंक्शन इन सोसाइटी, देन एजुकेशन इज ए प्राइमरी व्हीकल फॉर सच लर्निंग। कह रहे हैं कि अगर बच्चा सीखना चाहता है नॉर्म, सीखना चाहता है वैल्यूज, सीखना चाहता है समाज के स्किल्स, सीखना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो एजुकेशन ही उसके लिए जो है वो प्राइमरी व्हीकल का काम करेगी ये सारी सीखने के लिए। सेकेंड फंक्शन वो क्या कह रहे हैं एजुकेशन का है, सोशल इंटीग्रेशन। पहला क्या हो गया सोशलाइजेशन, दूसरा सोशल इंटीग्रेशन यानी कि सामाजिक एकीकरण। वो कह रहे हैं कि फॉर ए सोसाइटी टू वर्क फंक्शनलिस्ट से पीपल मस्ट सब्सक्राइब टू अ कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। यानी कि एक जब समाज काम करता है तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि लोगों को एक कॉमन सेट ऑफ बिलीफ और वैल्यूज के लिए काम करना चाहिए। एज वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ सच कॉमन व्यूज वॉज ए गोल ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दैट डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। फिर तीसरा काम क्या है शिक्षा का, जब आप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, सोशल प्लेसमेंट। यानी कि जैसे ही बच्चा क्लास में जाता है हम उसको एक प्लेसमेंट दे देते हैं। प्लेसमेंट इन द सेंस बिगिनिंग इन ग्रेड स्कूल स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय टीचर्स एंड अदर स्कूल ऑफिशियल्स आइदर इज ब्राइट एंड मोटिवेटेड और इज लेस ब्राइट एंड इवन एजुकेशनली चैलेंज। हमने इसको कह दिया ना बहुत अच्छा बच्चा है तो हमने क्या कर दिया उसकी सोशली प्लेसमेंट उसकी डिसाइड कर दी, प्लेस डिसाइड कर दिया। फिर कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, डल है, स्लो है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन आर टॉट एट द लेवल दैट इज थॉट टू सूट देम बेस्ट। इफ
In this way, they are presumably prepared for their later station in life. फिर सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन इसका चौथा फंक्शन है, यानी कि कोई सोशल और कल्चरल इनोवेशन हो रहा है तो वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर शिक्षा को देखा जाएगा तो उसका चौथा कार्य है। अवर साइंटिस्ट कैन नॉट मेक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड अवर आर्टिस्ट एंड थिंकर्स कैन नॉट कम अप विद ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट पोएट्री एंड प्रोज अनलेस दे हैव फर्स्ट बीन एजुकेटेड इन मैनी सब्जेक्ट्स दे नीड टू नो फॉर देयर चूजन पाथ। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो समाज का हिस्सा है ना, तब उनको समाज ने ये सब सिखाया, तब जाके उनका सामाजिक या हम सांस्कृतिक रूप से कोई इनोवेशन हो सकता है। तो ये फंक्शनल थ्योरी इन फंक्शंस पे स्ट्रेस करती है कि सोशलाइजेशन, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल प्लेसमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि शिक्षा के कुछ लेटेंट फंक्शन भी है, यानी कि सामने सामने से नहीं पता चलता है लेकिन ये भी काम शिक्षा करती है, जैसे चाइल्ड केयर। जैसे कि आप तो प्री प्राइमरी सब स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं, क्रेश में भेज देते हैं, है ना, तो स्कूल क्या कर रहा है? स्कूलिंग ही तो, एजुकेशन ही तो चाइल्ड की केयर कर रही है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पीयर रिलेशनशिप्स, है ना, जो आपके दोस्त बनते हैं, बचपन से दोस्त बन जाते हैं, जिंदगी भर वो दोस्ती चलती है और वो हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं, एंड कीप्स मिलियंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स आउट ऑफ द फुल टाइम लेबर फोर्स, है ना। और जो हमने क्या किया, हाई बच्चे जब तक पढ़ाई में है तब तक हमने उनको क्या किया, लेबर फोर्स से दूर रखा है। ये भी तो एक फंक्शन है एजुकेशन का कि ठीक है अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई है इसलिए अभी आप वर्क फोर्स पे, लेबर फोर्स पे नहीं जाएंगे, तो उतना हमने लेबर फोर्स पे वो बर्डन नहीं आने दिया है। ठीक, फिर जो दो और थियरीज हैं, पहली फंक्शनल थियरी थी, कॉन्फ्लिक्ट थियरी और सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। वो कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी डज नॉट डिस्प्यूट द फंक्शंस जस्ट डिस्क्राइब। वो कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी ये नहीं कहती है कि शिक्षा ये काम नहीं करती है, बट बल्कि हाउवर इट डज गिव सम ऑफ देम अ डिफरेंट स्लैंट बाय एम्फसाइजिंग हाउ एजुकेशन आल्सो परपेचुएट सोशल इनइक्वालिटी। बल्कि वो कहती है कि शिक्षा वो तो करती ही है लेकिन सामाजिक इनइक्वालिटी को भी, परपिचुएट करती है। कैसे? फंक्शन ऑफ सोशल प्लेसमेंट, यानी हमने किसी को ऊपर दर्जा दे दिया किसी को नीचे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट परपिचुएट सोशल इनइक्वालिटी, हमने आप पे इंटेलिजेंस टेस्ट लगाया और हमने आपसे कह दिया कि आप अबव एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, तो हमने सोशल इनइक्वालिटी को परपिचुएट किया। और ये जो टेस्ट हैं इनके नॉर्म्स और ये क्या वाकई स्टैंडर्डाइज हैं और उसमें जो कल्चर का इफेक्ट आता है वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें। क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, किसी ने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है मतलब वहाँ अच्छी स्कूलिंग, किसी ने उतने अच्छे से नहीं की है उसका आउटकम कम है, इसका आउटकम ज़्यादा है, तो इस ये क्या हुआ, ये एक तरीके से ये सोशल इनइक्वालिटी को ही तो परपिचुएट कर रहा है। फिर स्कूलिंग टीचर्स अ हिडन करिकुलम, देखिए हम लोग अपने विद्यालयों में महाविद्यालयों में एक हिडन करिकुलम भी पढ़ाते हैं जो करिकुलम का हिस्सा नहीं है लेकिन हम अपनी वैल्यूज के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, बिलीफ सिस्टम के थ्रू वो परपिचुएट करते हैं और एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की उसका हिस्सा है। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड स्कूल बिहेवियर, वो कह रहे हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्टडीज ऑफ एजुकेशन एग्जामिन सोशल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द अदर स्कूल वेन्यूज। दीज स्टडीज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द स्कूल देमसेल्व्स, बट दे ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ व्हाट अकर्स इन स्कूल इज रेलेवेंट फॉर द लार्जर सोसाइटी। सम स्टडीज फॉर एग्जाम्पल शो हाउ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज री इन्फोर्स जेंडर रोल सोशलाइजेशन, यानी कि सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी प्ले ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं लड़कियों से कि उनको हल्के गेम दे रहे हैं, लड़कों को भारी काम दे रहे हैं, इस तरीके का उनको लीडर बना दे रहे हैं, उनको उनका सबॉर्डिनेट बना दे रहे हैं, तो जेंडर रोल सोशलाइजेशन प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज से भी सीखता है बच्चा। ठीक है, फिर तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या हो गया कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज अ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट सब फील्ड दैट फीचर्स थियरी एंड रिसर्च फोकस्ड ऑन हाउ एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टेड बाय एंड अफेक्ट्स अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल स्ट्रक्चर ओवरऑल एंड हाउ वेरियस सोशल फोर्सेज शेप द पॉलिसीज प्रैक्टिस एंड आउटकम्स ऑफ स्कूलिंग। वो कह रहा है कि स्कूल एजुकेशन क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक संस्था है और वो इफेक्ट होती है और इफेक्ट डालती है अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस पर भी। व्हाइल एजुकेशन इज टिपिकली व्यूड इन मोस्ट सोसाइटीज एज ए पाथवे टू पर्सनल डेवलपमेंट सक्सेस इन सोशल मोबिलिटी एंड एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, सोशियोलॉजिस्ट्स हू स्टडी एजुकेशन टेक अ क्रिटिकल व्यू ऑफ दीज अजम्पशंस टू स्टडी हाउ द इंस्टीट्यूशन एक्चुअली ऑपरेट्स विद इन द सोसाइटी। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ना, तो इफेक्ट होता भी है और इफेक्ट करता भी है सोसाइटी को, एजुकेशन सिस्टम। फिर टू अंडरस्टैंड व्हाट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कंप्राइजेज, इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपरेटिव टू डिफाइन एजुकेशन फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा को एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करना पड़ेगा। इन सोशियोलॉजी अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा क्या है,
एजुकेशन इज हेल्ड टू बी ए सोशल इंस्टीट्यूशन. वो कह रहे हैं कि शिक्षा एक सामाजिक संस्था है दैट सर्व्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलाइजिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर वेरी बर्थ इनटू द सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो सोशलाइज करता है एक इंडिविजुअल को फ्रॉम देयर वेरी बर्थ, जब से वो पैदा होता है तब से लेकर उसके सामाजिकरण का काम स्कूल या एजुकेशन जो कि सामाजिक संस्था है वो करती है. ये समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा की परिभाषा है. ठीक. फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन सबसे कम इसने स्पेस दिया और एक ही स्लाइड में आ गया. कैसे है इसका बहुत बड़ा रोल. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग. वो कह रहा है कि जब आप शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये हमको बताता है कि लोग कैसे सीखते हैं. इसमें टीचिंग मेथड भी आ जाएगा, हमको कैसे सिखाना है ये भी आ जाएगा, बच्चे के अंतर्गत अलग अलग बच्चे में वैयक्तिक अंतर है ये भी आ जाएगा. इट एक्सप्लोर्स द कॉग्निटिव बिहेवियरल इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस. यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक संवेगात्मक और सामाजिक रूप से कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है ना. Educational psychologists use this understanding of how people learn to develop instructional strategies and help students succeed in school. तो educational psychologists क्या करते हैं? वो ये उनको ये पता है कि बच्चा कैसे सीखता है, तो वो उस हिसाब से instructional strategies तैयार करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके. The field of educational psychology incorporates a number of other disciplines. तो बहुत सारे और डिसिप्लिन इसमें आ जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और इसका लेना देना क्या है, यानी कि अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा देखें, उपागम से देखें, तो हमको ये बताती है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं. इसमें टीचिंग मेथड भी आएगा, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आएंगे. इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्स इटसेल्फ विद सजेस्टिंग वेज एंड मींस ऑफ इंप्रूविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन इनेबलिंग द टीचर टू टीच इफेक्टिवली एंड द लर्नर्स टू लर्न इफेक्टिवली विद द मिनिमम एफर्ट. यानी कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा सके और लर्नर बहुत कम से कम एफर्ट से अच्छे से सीख सके, ये लेना देना साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन का है. ठीक है. और साइंटिफिक अप्रोच, अगर हम वैज्ञानिक उपागम से देखते हैं कि शिक्षा क्या है, तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, तब तो जानेंगे ना. तो अगर हम ये जाने कि जाना कैसे जाता है, अप्रोचेस टू नोइंग, तो चार तरीके हैं जिनसे हम जानते हैं. पहला अथॉरिटी, हमको कोई बताता है, माता पिता शिक्षक गुरु ने हमको बताया है तो हमने मान लिया कि ठीक है ये ऐसे हम जान गए. पर्सनल एक्सपीरियंस, हम खुद अनुभव करके सीखते हैं. रेशनलिज्म, हम रीजनिंग और लॉजिक से सीखते हैं. इंपिरिसिज्म, हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. तो जो साइंस है आपका वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे चलता है. द प्राइमरी गोल ऑफ साइंस इज टू एक्वायर न्यू नॉलेज. मुख्य गोल है क्या विज्ञान का, कि हम कुछ नया सीख सकें. इन साइंस वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू ऑब्जर्वेशन, वेरीफाइंग प्रायर ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरिंग लॉज, डिराइविंग प्रेडिक्शन एंड इम्प्रूविंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. यानी कि साइंस में हम क्या करते हैं, नए रूप से प्रेक्षण करते हैं, जो पुराना प्रेक्षण है उसको वेरीफाई करते हैं, हम लॉज को डिस्कवर करते हैं, हम प्रिडिक्शंस बताते हैं, भविष्यवाणी ये हो सकता है, बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाला है, एंड इम्प्रूविंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्व्स एंड दी वर्ल्ड अराउंड अस. और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के संसार को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं हम साइंस में. साइंस इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन एन एम्पिरिकल अप्रोच टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एन अप्रोच दैट रिलाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. यानी कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे चलती है. यानी कि प्रेक्षण तो है सिस्टमैटिक, जैसे ही साइंस का नाम लेंगे वैसे ही सिस्टम उसके संग जुड़ जाएगा. हैपजर्ड वे में साइंस नहीं चलती है. एजम्पशंस ऑफ साइंस, द यूनिवर्स इज लॉफुल और ऑर्डरली. यानी कि मूलभूत मान्यता क्या है विज्ञान की, कि यूनिवर्स जो है लॉफुल है, यानी कि ऑर्डर है, कोई ऐसे ही नहीं है. गोल्स ऑफ साइंस क्या है, प्रिडिक्शन कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स इन नेचर. यानी प्रकृति में क्या चल रहा है उसका प्रिडिक्शन करना, मतलब हम भविष्यवाणी कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और उसको समझ सकें. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके मेथड्स की, इंपिरिकल रेफरेंस, डील विद रिपीटेबल इवेंट, सेल्फ करेक्टिंग, सिस्टमैटिक स्टडी, टेंटेटिव एंड फॉल्सिफाइबल. तो साइंटिस्ट क्या हुए, साइंटिस्ट दस आर मोर देन डिस्कवरर्स. यानी कि सिर्फ खोजते नहीं है साइंटिस्ट, दे आर क्रिएटर्स, वो उत्पन्न भी करते हैं. दे आर नॉट मियर रिकॉर्डर्स बट आर द क्रिएटर्स ऑफ. वो केवल रिकॉर्ड नहीं करते हैं बल्कि कुछ बनाते भी हैं. जैसे कि प्रोफेसर वर्क मीस्टर ने कहा कि अल्टीमेट टास्क ऑफ द साइंटिस्ट क्या है, फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस. यानी कि अनुभवों का कार्यात्मक रूप से एकीकरण ही विज्ञान है. A hypothetical deductive system is created through the invention of hypothesis, a system that includes observable fact, but is more than observable fact and consequently allows prediction of other observable facts. ये मतलब है इसका. एक मिनट. तो साइंस में हम इंडक्टिव रीजनिंग भी करते हैं,
डिडक्टिव भी करते हैं। ये बहुत इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत जगह यूज होता है, आपको पता भी होना चाहिए। इंडक्शन क्या है? आगमन, और डिडक्शन क्या है? निगमन, है ना। तो इंडक्शन क्या है? द सिस्टमैटिक नेचर ऑफ साइंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च स्ट्रेटजीज। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ ए जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं, किसमें? इंडक्शन में। और डिडक्टिव रीजनिंग में इसका उल्टा है। क्या है? इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशनल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ए जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम एक जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की ओर जाते हैं, इंडक्शन में हम कई सारे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल थ्योरी की ओर जाते हैं। विद इंडक्टिव रीजनिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लीड टू वन थ्योरी, विद डिडक्टिव रीजनिंग वन थ्योरी लीड्स टू मल्टीपल प्रेडिक्शन, है ना। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी बनती है, और डिडक्टिव रीजनिंग में एक थ्योरी से बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलते हैं। ये लिखा है। तो ये हुआ साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन। यानी कि पहले आप जानिए साइंस क्या है, यानी कि हम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो वो साइंस है, और शिक्षा का वैज्ञानिक उपागम क्या है कि हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करें, हम इंडक्टिव रीजनिंग करें, हम डिडक्टिव रीजनिंग करें। हमको पता हो कि साइंस क्या है, हमको पता हो कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, हमको ये पता हो कि साइंस और नॉन साइंस में क्या अंतर है, ये सब ठीक है। तो ये आपके कितने उपागम हो गए? फिलोसॉफिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच हमको ये बताती है शिक्षा में कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। हमको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या बताती है? सोशियोलॉजिकल अप्रोच की कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एजुकेशन करती है। एजुकेशन क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि व्यक्ति को सोशलाइज करती है फ्रॉम देयर वेरी बर्थ टू देयर टिल डेथ। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है एजुकेशन की? जो ये बताती है कि लर्नर क्या है, लर्नर कैसे सीखेगा, आप कैसे उसको बेहतर सिखा सकते हैं, टीचर कैसे बेहतर पढ़ा सकता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। और साइंटिफिक अप्रोच साइंस क्या है? साइंस क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, और उसमें क्या? इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग चलेगी, ठीक है। तो बहुत ये लेंदी था, बहुत विशद वृहद विस्तृत था, जिसको मैंने समाहित करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इट मस्ट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Done from my side.